हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये पोशाक बनाएंगे ये हमने सात नंबर के काना जी के लिए बनाई है इसे बनाना बहुत ही इजी है गायस हमने यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बनाई है और ये डिज़ाइन भी बहुत ईजी है आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और यह है इसके साथ की पगड़ी सो so फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस तरह की पोशाक या फिर मेरे चैनल की कोई भी पोशाक परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके ड्रेस परचेज कर सकते हैं और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन फिफ्टी या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी पोशाक ये देखिए फ्रेंड्स ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे येलो कलर और ये पिंक कलर में ऊन लिया है और इसके साथ हमने यहाँ पे ये नौ नंबर में क्रशिया ली हुई है तो चलिए हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे तो यहाँ पे हम एक नॉट लगा देंगे ये हमने ऐसे करके एक नॉट लगा दी दे, अब देखिए हमें क्या करना है ये हमने यहाँ पे, ये अपना हुक डाला और हमने यहाँ पे ये देखिए एक चेन बनाई दो बनाई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस और बीस हमने यहाँ टोटल बीस चेन बनाई अब देखिए एक चेन तो हमारे हुक्म में ही है इसके बाद वाली एक चेन छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने हुक को डाला यहाँ से फंदा निकाला और ये हमने सिंगल क्रोशिया बना ली हमने एक बार बनाई सेम चेन में हम डालेंगे निकालेंगे और एक बार और बनाएंगे हमने यहाँ एक चेन में दो बार बना ली सिंगल क्रोशिया अब हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे यहाँ भी हम ये देखिए हमने ये एक बार बनाई सिंगल क्रोशिया ये हमने सेम चेन में डाल के एक बार और बना ली यहाँ पे भी हमने दो बार बना लिया ऐसे करके हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे सभी चेन में हमें दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है चलिए बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ सभी चेन में दो दो बार सिंगल क्रोशिया बना दिया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये यह देखिए यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हमने यहाँ आठ चेन बनाई हम यहाँ पे डालेंगे और ये देखिए हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया फिर हमने यहाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हमने आठ चेन फिर बनाई अब हम नेक्स्ट चेन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ये हमने जोड़ दिया फिर हमने यहाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ चेन बनाए फिर हम इसे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच की तरफ से जोड़ देंगे ऐसे करके हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ सभी चेन में वैसे ही कर लिया एक एक बार अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये यह देखें आप हम यहाँ पे एक दो तीन चार चार जन हमने बनाई अब इसमें से ये एक दो तीन तीन को हम लेंगे और यहाँ से ये यह देखिए ऐसे निकालेंगे ये हमने निकाल दिया एक बार किया फिर हम इन तीनों के अंदर डालेंगे और फिर हमने निकाला ये देखिए दो बार हुआ फिर हम इन तीनों के अंदर डालेंगे निकाला फिर हमने किया तीन बार हुआ फिर हम डालेंगे चार और एक बार और हम करेंगे पाँच ये देखिए ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा अब फिर हम वही करेंगे सेम चीज़ एक दो तीन तीन को लेंगे हम और यहाँ से हमने फंसा के ये निकाला एक फिर हम डालेंगे ये देखिए दो फिर हम यहीं से करेंगे तीन फिर हम करेंगे चार और फिर हमने किया पाँच ये देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन उभरेगा और फिर हमें करना है एक दो तीन तीन बार हमने लिया ये हमने निकाला ये देखिए ये एक हुआ इन तीनों के बीच से फिर डालेंगे दो हुआ फिर हम इन तीनों के बीच से डालेंगे तीन हुआ फिर डालेंगे चार हुआ फिर करेंगे और पांच हो गया ये देखिए ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन ऐसे उभर के आएगा तो ऐसे ही करके हम अपनी ये पूरी रो पे कर लेंगे ये देखिए ये पूरी एक सर्कल में हमारी रो आएगी कुछ ऐसी तो चलिए सभी पे कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ सभी में कर लिया बहुत सुंदर थी हमारी डिज़ाइन देखिए उभर के आ रही है अब हम और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ लास्ट में जो हमने किया तो ये जो हमने तीन तीन चेन में लेकर किया था हमने तीन तीन चेन अपनी इकट्ठा ली थी लास्ट में हमारे पास दो चेन ही बची थी तो हमने दो को ही लेके कर लिया अब यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद हम अपना पिंक कलर वाला ऊन यहाँ पे लगा लेंगे तो ये देखिए ये हमने नॉट लगा दी अब यहीं पे हम अपना पिंक कलर वाला ऊन लगाएंगे ये देखिए हमने लगा लिया अब हमें यहां पे कैसे बुनना है ये हमने एक और दो चेन बनाए अब सेम चेन में हम एक बार ये देखिए ऐसे लपेटा डाला निकाला अब ये तीनों फंदे को इकट्ठा उतार देंगे ये हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो सभी चेन में हमें यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है ये देखिए, सॉरी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी थी ये देखें ऐसे लपेटा डाला निकाला और बना दिया फिर लपेटा डाला निकाला और बना दिया तो ऐसे करके हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना के अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर दें फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये एक रो सभी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना दी अब सेकेंड रो में हम क्या करेंगे ये हमने एक दो दो चेन बनाई सेम चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे ये देखिए ऐसे करके हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और डबल क्रोशिया बना के हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर ली है अब यहाँ पे हमें क्या करना है नॉट लगा देना है और नॉट लगा के यहीं पर हम अपना येलो कलर वाला ऊन लगा लेंगे अब देखिए हमने जहाँ नॉट लगाई वहीं पे हमने येलो कलर का ऊन लगा लिया हम क्या करेंगे यहाँ पे ये हमने निकाला हमने एक चेन बनाई सेम चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये हमने बनाया नेक्स्ट चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हमने दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है ये देखिए फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार बनाएंगे और फिर इसके बाद वाली में हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये देखें फिर अगली चेन में हमने एक बार बनाया और इसके बाद वाली चेन में हमने ये एक और एक बार और दो बार बनाया मतलब हमें यहाँ एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे करके हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ सभी चेन में बना लिया है अब फिर से हम अपना वही डिज़ाइन बनाएंगे बट इस बार ये देखिए हमने यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस हमने आठ की जगह यहाँ दस चेन बनाई है और फिर हम इसे अपने इसी चेन में ज्वाइंट कर लेंगे फिर हमने यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस फिर हम इसे नेक्स्ट चेन में जोड़ेंगे ये हमने जोड़ दिया फिर यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फिर हम इसे यहाँ पे लेके जोड़ेंगे ऐसे करके हम अपनी पूरी रो पे बना लेंगे हमें और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं अगर हम यहाँ ऐसे रख रहे हैं तो देखिए इसके पहले हमने रखा था तो ये हमारा प्रॉपर गोल आ गया था बट अगर हम इस बार रख रहे हैं तो ये ऐसे आ रहा है इसमें फ्रिल्स आ रही हैं आप ध्यान से देखें इसमें फ्रिल आ रही हैं तो ये ज़रूरी है फ्रिल आना आपको भी ध्यान देना है कि यहाँ जब आप फंदे बढ़ाएँ तो आपके यहाँ पर फ्रिल आए क्योंकि ये ऊपर जाके जब यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो ये कवर कर लेगा तो चलिए हम सभी चेन में बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ सभी चेन में इसे बना लिया है एक एक बार ये हमने एक दो तीन चार पाँच हमने यहाँ पाँच चेन बनाई अब देखिए एक दो तीन तीन को हम लेंगे और ये हमने निकाला एक बार किया फिर तीनों में डालेंगे दो बार किया फिर तीनों में डालेंगे तीन बार किया फिर तीनों में डालेंगे चार बार किया हमने पांच बार की जगह चार बार ही किया है फिर देखिए फिर हम यहाँ से एक दो तीन तीन लेंगे ये हमने तीन को लिया और फिर हमने यहाँ से ये यह देखिए एक दो तीन चार चार बार किया हमने और फिर हम यहाँ पे एक दो तीन तीन को लेंगे ये हमने निकाला ये हमने एक बार किया फिर तीनों में डालेंगे दो बार किया फिर तीनों में डालेंगे तीन बार किया फिर तीनों में डालेंगे चार बार किया ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन आ जाएगी इस बार वाली डिज़ाइन हमारी थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि हमने दस चेन में किया है तो सेम ऐसे ही हम अपने पूरे रो पे कर लेंगे चलिए कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ अपनी पूरी रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से धागे को नॉट लगा के कट कर दिया बहुत ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन आ रही है हमारी और एक चीज़ा अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए अभी भी यहाँ पर फ्रिल्स हैं तो हमें ऐसा ही चाहिए अब हम यहाँ पर अपना ये पिंक कलर लगाएंगे हमने यहाँ एक दो दो चेन बनाई अब इसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए और इसके बाद हम सभी चेन में यहाँ एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे बहुत इजी तरीका है ये देखिए ऐसे करके हम सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हमने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था तो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी बट हम यहाँ पूरी पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और से जो हमारी दूसरी रो आएगी पिंक कलर वाली जैसे हमने यहाँ देखिए एक रो हमने हाफ डबल क्रोशे की और दूसरी रो हमने डबल क्रोशे की बनाई थी बट यहाँ पे हम अपनी दोनों रो डबल क्रोशे की बनाएंगे एक रो हमने स्टार्ट कर दी है इसे कंप्लीट करेंगे पूरे सर्कल पे और उसके बाद दूसरी रो हम ले आएंगे वो भी हम डबल क्रोशे की बना के नॉट लगा लेंगे चलिए में इतना काम करते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे पिंक कलर से ये पूरी रो बना ली अभी भी इसमें काफ़ी सारे फ्रिल हैं ये देखिए ये इतनी चढ़ी हुई है इसके ऊपर तो ये इतने सारे अभी फ्रिल हैं यहाँ पे तो अब देखिए ये हमारी लास्ट रो है ये हम कैसे बोलेंगे हमने यहाँ पे येलो कलर वाला ऊन लगा लिया है हमने यहाँ से निकाला एक चेन बनाई सेम चेन में हम एक बार ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हमने यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन में एक एक बार और ये हमारी छठी चेन जो है इसमें हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने दो बार बनाया फिर देखें ये एक दो तीन चार पाँच और ये छठी आ गई ये एक और ये सेम चेन में दो तो ऐसे करके हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे पांच चेन में एक एक बार और छठी चेन में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनानी है चलिए बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी रो कंप्लीट कर ली अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रिल हैं और मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिना फ्रिल के हमारे ये डिज़ाइन आएगी नहीं सही से तो आप इस चीज़ का ध्यान दें अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है बस हल्का सा चेंज होगा बाकी सब कुछ हमारा वही रहेगा तो यहाँ पर हमने ए दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हमने दस चेन की जगह बारह चेन बना दी इस बार इसे हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ये हमने जोड़ लिया फिर हमने एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फिर हम इसे नेक्स्ट चेन में जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से ऐसे ही करके हम अपनी पूरी रो पे इसे बना लेंगे और पूरी रो पे बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ देखिए एक दो तीन चार 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 चेन की हेल्प से अपनी ये पूरी जो हमारी चेन थी उसे ज्वाइन किया था सेम वैसे ही हम यहाँ भी चार चार चेन की हेल्प से अपनी पूरी रो को ज्वाइन करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ अपनी पूरी रो पे इसे बना लिया है ये देखें अब यहाँ पे आपको कहीं से भी फ्रिल नहीं दिख रही होगी और ये देखिए यहाँ से भी ये हमारा बराबर आया है यहाँ पर हमने डोरी बना ली है एक इस साइड से और एक इस साइड से सिंपल से चेन बनाई है ये देखें जिसे हम अपनी ड्रेस को कान्हा जी की कमर पे बांध सकें तो ये है हमारी बेस ये देखें बहुत इजिली बन गई है इसे बनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है और इसके साथ की हमने चोली भी रेडी कर ली है ये देखें यहाँ पे हमने ये चोली भी रेडी कर ली है ये बैक से है और ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है चोली की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे आपको जीरो से लेके दस नंबर तक के आना जी की चोली चोल्ही वीडियो मिल जाएगी तो सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे, दे दूँगी आप वहाँ से चेक कर लें ये देखिए ये ऐसे आ जाएगी हमारे ड्रेस के साथ तो चलिए अब हम इसकी पगड़ी बनाना देखते हैं कि हमें पगड़ी कैसे बनानी है अब देखिए फ्रेंड्स पगड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ काम कर लिया है क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है हमने क्या किया है हमने यहाँ सिंपल पचास चेन बनाई है और पचास चेन के अंदर हमने यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बना लिया है एक एक बार सभी चेन के अंदर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है और उसके बाद हमने क्या किया है सभी चेन के अंदर हमने ये देखिए ये बनाया है आठ आठ बार जैसे हम अपनी ड्रेस में बना रहे थे तो ये बहुत इजी था आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया आप पचास देखिए ये हमने सात नंबर के जी के लिए बनाई है जैसे जैसे आपके कान्हा जी का नंबर बढ़ता जाता है आप तीन तीन चार चार चेन बढ़ाते जाएं और जैसे जैसे आपके कान्हा जी का नंबर घटता जाता है आप तीन तीन चार चार चेन कम करते जाएँ और उसके बाद आप सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लें और डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको सभी चेन में एक एक बार पिंक कलर से सिंगल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद आपको सभी चेन में ऐसे करके चेन बना लेनी है अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है ये हमारी पगड़ी है तो इसे हम सीधा बनाएंगे तो सीधा बनाने के लिए हमने क्या करना होगा यहाँ पे आपको कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है अभी मैं बताती हूँ कि कैसे हमें बुनना है ये देखिए हमने यहाँ पे एक दो तीन और ये चार चार चेन बनाए क्योंकि हमने यहाँ आठ चेन बनाई थी तो आठ का आधा चार होता है तो हमने यहाँ चार बना ली अब देखिए आपको क्या करना है एक दो तीन चार इस बार हम चार लेंगे यहाँ से और चार को हमने ये देखिए इकट्ठा किया ये हमने एक चेन बनाई फिर हमने डाला चारों के अंदर और ये हमने दूसरी चेन बनाई फिर हमने डाला चारों के अंदर और ये हमने तीसरी चेन बनाई और फिर हमने डाला चारों के अंदर ये हमने चौथी चेन बनाई तो देखिए हमने यहाँ नीचे से चार चेन ली थी अपनी चार लाइन ले ली थी इसलिए हमने यहाँ ऊपर चार बार ही सिंगल क्रोशिया बनाई है क्योंकि ये हमें सीधा सीधा चाहिए अब देखिए फिर एक दो तीन चार चार को लेंगे हम ये हमने निकाला ये एक बार हुआ फिर हमने चार के अंदर डाला ये हमारा दो बार हुआ फिर हमने चार के अंदर डाला ये हमारा तीन बार हुआ और फिर हमने चार के अंदर डाला ये हमारा चार बार हुआ ये देखिए तो ऐसे करके हम यहाँ सभी फंदे को बुन लेंगे तो चलिए बुन लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे ये देखिए हमने यहाँ सभी चेन में बना लिया अब लास्ट की हमारी पांच चेन बची है तो हम देखिए कैसे बनाएंगे वैसे तो हम चार चार में करते आ रहे थे बट यहाँ पांच बच गई है तो हम पहले एक दो और तीन तीन को ले लेंगे और तीन को हमने लिया ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक ये दो और ये तीन हमने तीन को लिया था इसलिए हमने यहाँ पे तीन बार बनाया है और फिर हमने यहाँ पे ये दो को लिया तो यहाँ हम अब दो बार बनाएंगे ये देखिए ये एक और ये दो यहाँ पे हमने कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं सिंपल सा बना लिया अब यहाँ से हम नॉट लगा के पिंक वाले उनको कट कर देंगे ये देखिए ये कट हो गया अब हम येलो वाले से बनाएंगे ये देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बनाना हमने यहाँ एक दो तीन तीन चेन बनाए सेम चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे बना लिया फिर हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, सभी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है ना कुछ घटाना है ना बढ़ाना है ये देखें बहुत इजी तरीका है ऐसे करके हम सभी चेन में एक एक बार बना लेंगे डबल क्रोशिया, चलिए बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना ली अब ये देखिए एकदम सीधा आपको दिख रहा होगा कहीं से ना हमने घटाया ना बढ़ाया तो हमें ये इस तरह का डिज़ाइन मिल गया है अब हमें क्या करना है हमें देखिए इसे ऐसे फोल्ड करना है ये ऐसे ये हमने इसे एक बार ऐसे फोल्ड किया और ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसे ये देखिए ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आप यहाँ से सिल लें बट मैं यहाँ से इसे ग्लूकन की से चिपकाऊंगी और ये देखिए ये है हमारे नीचे की पगड़ी वाला हिस्सा ये ऐसे आएगा यहाँ से हम पहनाएंगे और ये हिस्सा हम ऐसे पीछे यहाँ पे लगा देंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरह की पगड़ी आ जाएगी आप जब चिपका लें या सिल लें तो यहाँ से ये पूरी फैलेगी ये देखिए आप ईजली से गोपाल जी को पहना लेंगे और ये गोपाल जी के ऊपर बहुत अच्छे से सा सेट आएगी ये देखिए ये है हमारी पगड़ी हमने इसे एक बार ऐसे फोल्ड किया और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ हम लगा देते हैं ग्लू ये हमने ग्लू लगाया और ग्लू लगाने के बाद अपने इस वाले हिस्से को इसके ऊपर यहाँ पे चिपका दिया अब ये जो दोनों हिस्से हमने चिपकाया है आपस में इन दोनों हिस्से को हम ऐसे एक एक बार और इसके ऊपर हम ऐसे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम क्या करेंगे ये देखें ये पीछे हम यहाँ पे ऐसे ले कर चिपका देंगे ये हमने चिपका दिया थोड़ा सा गर्म होता है बचा के काम करें ये देखिए ये है हमारी पगड़ी अब एक बार हम थोड़ा सा यहां से भी चिपका देते हैं ये देखिए ये हमारा बेस बन गया है आप चाहें तो सिर्फ इतना ही बना लें अगर आपको इसे आगे बनाने में प्रॉब्लम होती है दिक्कत आती है ये देखिए हमने इतना काम कंप्लीट करने के बाद क्या किया है यहाँ से हमने येलो कलर में धागा लगा लिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें बनाना है ये हमने एक दो तीन चेन बनाई अब इसी जगह से हमें बार बार डबल क्रोशिया बनाना है ये हमने एक बार बनाया दो तीन हमने यहाँ पे टोटल दस बार डबल क्रोशिया बनाई अब इसे हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे हमने ज्वाइंट कर लिया यहाँ से नॉट लगा के कट कर देंगे ये देखिए हमने यहाँ से नॉट लगा के कट किया उसके बाद हमने यहाँ पे ये यह पिंक कलर का धागा लगा लिया अब हम क्या करेंगे ये जो हमारा हिस्सा है इसे पहले हम यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर लें एक बार किया जुड़ गया अब इसमें हमने ये देखिए एक चेन बनाई सेम चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट चेन में हमने एक बार बनाई फिर अगली चेन में हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये एक और ये दो फिर अगली चेन में हमने एक बार बनाया और फिर अगली चेन में हम ये एक और दो बार बनाएंगे फिर अगले में हमने एक बार बनाया फिर उसके बाद वाले में हम एक और दो बनाएंगे ऐसे करके हम अपना ये रो कंप्लीट करेंगे अब देखिए लास्ट में हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे स्लिप स्टिच के से ये हो गया अब यहाँ में क्या करना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हमने बारह चेन बनाई अब इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे जैसे हम अपना डिज़ाइन बना रहे थे वैसे ही बनेगा ये देखें फिर हमने यहाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चेन बनाए फिर हम इसे यहाँ नेक्स्ट चेन में जोड़ लेंगे ऐसे करके हम सभी चेन में कर लेंगे और उसके बाद हम फिर यहाँ से एक दो तीन तीन चेन लेंगे और उसे जब हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ चार बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम तीन चेन ले रहे हैं और हम सिंगल क्रोशिया चार बनाएंगे क्योंकि ये हमारा राउंड में है हमें सीधा तो चाहिए नहीं तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ ऊपर से बना लिया है अब ये हमारी पगड़ी कंप्लीट हो गई है ये देखिए नीचे से ये पूरी फैलती है अब बहुत ईजिली अपने कान्हा जी को पहना लेंगे और ये देखें पीछे से ऐसी है फ्रंट से ऐसी है सो so फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी ड्रेस बना के कंप्लीट कर दी है बहुत सुंदर लग रही है और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी था और ये है इसके साथ की पगड़ी सो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक फॉर वॉचिंग